Student Jay Swaminarayan, today we continue with the application of the remote sensing. First हम देख लेते हैं advantages of remote sensing. Okay, हम आगे पढ़ के आए हैं पर एक बार देख लेते हैं. Enables to observe a broad area at a time. Enables to observe the area for a long period. Long period. Repeat pass observations. Time series data. Change detection. That means कोई area है उसको ऑब्जर्वेशन करना है रिपीटेटिवली तो आप रिमोट सेंसिंग यूज कर सकते हैं. एनेबल्स टू नो द कंडीशन विदाउट विजिटिंग द एरिया, दैट मीन्स उस एरिया को विजिट किए बिना ओके आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्या कंडीशन है वो एरिया की वो चाहिए ओके वो एरिया की सिचुएशन क्या है कंडीशन क्या है तो वो सब चाहिए उसको विजिट किया बिना तो वो भी हो सकता है. एनेबल्स टू नो द इनविजिबल इंफॉर्मेशन ओके जो भी इनविजिबल इंफॉर्मेशन है उसका इंफॉर्मेशन चाहिए तो रिमोट सेंसिंग का यूज होता है. सेंसर्स फॉर वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड माइक्रोवेव एक्सेट्रा. एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग. The remote sensing has enabled mapping, studying, monitoring, management of various resources like agriculture, forestry, geology, water, ocean, etc. It has further enabled monitoring of the environment and thereby helping in conservation. That means, for example, हमारे पास groundwater and surface water resources. Okay. तो जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है तो उसका मैनेजमेंट कैसे हम करें तो उसका इंफॉर्मेशन भी रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन से मिलता है. इन द लास्ट 4 decades इट हैज ग्रोन एज ए मेजर टूल फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑन द अर्थ. यानी अर्थ के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसमें रिमोट सेंसिंग का यूज होता है. With the availability of the very high spatial resolution satellites in the recent years, the applications have multiplied. That means, जो भी आपके पास सैटेलाइट है वो बहुत हाई स्पाइटल रिजोल्यूशन देते हैं उसकी वजह से उसका इमेजेस वगैरह अच्छा आता है जिससे आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इमेजेस पे से मिल जाता है. Current major application of the remote sensing may be following: geology, forestry, change detection, oceanography, then meteorology, then land degradation, land use application. Geology. In geology, for the instance, remote sensing can be applied to analyze and map large remote areas. Remote sensing interpretation also makes it easy for geologists in this case to identify the area's rock types, geomorphology, and changes from the natural events such as flood, landslides. उसकी वजह से geology that means वहाँ पे किस type के rocks है okay किस प्रकार का रहे हैं किसका जो भी geology के related जो भी it is related to sand, rocks. तो ओके और जो भी नेचुरल इवेंट्स जो होती है उसकी वजह से फ्लड और लैंडस्लाइड्स होता है उसकी वजह से उसमें कुछ ना कितना चेंज आता है वो भी हमें पता चलता है. क्लासिफिकेशन मैप ऑफ द राउंड मॉर्टेज एरिया. ड्राई वेजिटेशन, ग्रीन वेजिटेशन, ये सब क्या है अलग अलग कलर से आपको दिखाया गया है कि किस एरिया ये एरिया में क्या है ओके okay. और यहाँ पे आप ओके दैट इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग इन जियोलॉजी. फॉर आपने जियोलॉजी जीएनएजी ऐसा सब्जेक्ट आता था आपको ओके वो आपने पढ़ा हो तो वो इट इज रिलेटेड टू सॉइल और इट इज रिलेटेड टू रॉक आल्सो. देन फॉरेस्ट्री. द सैटेलाइट इमेजिनरी इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड मैप the spices of the native and exotic forest trees. Okay, the effect of the major disease or adverse change in the environmental condition. जो भी vegetative cover है okay, तो उसमें कौन कौन से forest trees जो भी है उसमें कोई प्रकार का disease है कि नहीं है okay,
और एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, तो वो सब जानना हो तो उसमें भी रिमोट सेंसिंग का यूज होता है। जियोग्राफिक एक्सटेंट ऑफ द फॉरेस्ट, चेंज डिटेक्शन, सैटेलाइट इमेजनरी इज नॉट ऑलवेज एबल टू प्रोवाइड एग्जैक्ट डिटेल्स अबाउट द स्पाइसेस और एज ऑफ द वेजिटेशन, हाउएवर द इमेजनरी प्रोवाइड्स ए वेरी गुड मीन्स ऑफ मेजरिंग द सफिशियंट चेंज इन द वेजिटेशन कवर, वेदर इट इज थ्रू क्लियरिंग, वाइल्ड फायर डैमेज, एनवायरमेंटल स्ट्रेस। दैट मीन्स जो भी सैटेलाइट डिटेक्शन क्या करता है, वो वेजिटेटिव कवर का एज फाइंड आउट नहीं कर सकता, बट और वेजिटेशन जो भी प्लांट्स है, ट्रीज है, उसका एज फाइंड आउट नहीं कर सकता, पर उसमें क्या चेंज है, ओके वेजिटेशन कवर में कितना बदलाव आया, कितना क्लियरिंग हुआ, ओके देन एनवायरमेंटल स्ट्रेस पड़ता है तो उसकी वजह से वेजिटेटिव कवर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो सब हम रिमोट सेंसिंग का यूज करके कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द एनवायरमेंटल स्ट्रेस इज वाटर डेफिशिएंसी। वाटर डेफिशिएंसी की वजह से क्या वेजिटेटिव कवर में इन्फेक्ट होता है वो हम जान सकते हैं। ओके देन नेक्स्ट वन इज ओशिनोग्राफी। रिमोट सेंसिंग इज अप्लाइड टू ओशिनोग्राफी स्टडीज। रिमोट सेंसिंग इज यूज फॉर एग्जाम्पल टू मेजर सी सरफेस टेम्परेचर, टू मॉनिटर द मारीन हैबिटेट्स। सी सरफेस टेम्परेचर और मारीन हैबिटेट्स, टू मॉनिटर द मैरीन हैबिटेट्स। मैरीन हैबिटेट्स का मतलब क्या है कि जो भी हम सी सरफेस टेम्परेचर है वो भी मेजर कर सकते हैं। देन सॉल्ट वाटर जो भी है, सॉल्टेड वाटर है, उसमें सॉल्ट का जो भी प्रपोर्शन है, ओके उसकी वजह से फॉर एग्जांपल वो बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है। ओके जो भी जिसमें फॉर एग्जांपल मैरिन यानी जो सी वाटर एनिमल्स है, ओके उसको जिंदा रहने के लिए क्या होता है, वो टेम्परेचर चाहिए, और जो भी सॉल्ट जो भी वाटर है, जो जिस प्रकार का वाटर चाहिए, वो वाटर है कि नहीं है, उसकी वजह से भी वो उसमें जो भी सी एनिमल्स है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ओके देन मेट्रोलॉजी। रिमोट सेंसिंग एन इफेक्टिव मेथड फॉर मैपिंग द क्लाउड टाइप एक्सटेंट, देन क्लाउड टॉप टेम्परेचर, लैंड डिग्रेडेशन। इमेजिनरी कैन बी यूज टू मैप द एरियाज ऑफ पुअर और नो वेजिटेटिव कवर। ओके ए रेंज ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग द सलाइन और सॉडिक सॉइल्स एंड ओवर ग्रेजिंग कैन कॉज डिग्रेडेड लैंडस्केप्स। ओके इमेजिनरी कैन बी यूज टू मैप द एरियाज ऑफ पुअर और वेजिटेटिव कवर। पुअर एरिया है, वेजिटेटिव कवर नो वेजिटेटिव कवर एरिया है, ओके तो वो क्यों है, क्यों हो रहे हैं, ओके किसके इफेक्ट से वो वेजिटेटिव कवर रही नहीं रह रहा है, और वो सब जानना है। ओके तो उसमें भी रिमोट सेंसिंग का यूज होता है। लैंड यूज एप्लीकेशन। Additionally, those studying urban and other land use applications are also concerned with the remote sensing because it allows them to easily pick up which land uses are present in an area. This can then be used as data in city planning application and the study of the species habitats, for example. Land use application, that means what? Additionally, those studying urban and other land use applications are also concerned with the remote sensing because it allows them to easily pick up which land uses are present in area. That means जो भी land है वो कौन कौन use कर रहा है, okay? तो उसका हमें detail चाहिए, okay? तो कोई भी
बिल्डिंग का प्लानिंग करना है वगैरह, ये फॉर एग्जांपल कोई भी लैंड यूज एप्लीकेशन, दैट मीन्स हम लैंड का यूज किस प्रकार से कर सके, तो उसका हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इंफॉर्मेशन हमें किसमें से मिलता है, जो भी हमारा जो एरिया होता है, ओके, तो उस पे से उसका रिमोट सेंसिंग इमेजेस वगैरह खींच के हमें क्या करना होता है, उस एरिया का डिटेल लेना होता है, वो डिटेल लेके फिर हम उसका क्या है प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम ये चैप्टर हमारा एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग कंप्लीट हुआ, उसमें सैटेलाइट सेंसर्स एंड प्लेटफॉर्म्स क्या है, तो एप्लीकेशन खत्म हो गया। अभी सेंसर्स क्या है, थोड़ा डेफिनेशन वगैरह हम पढ़ते हैं। ओके, तो सेंसर क्या है, ये सेंसर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। सेंसर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, पैसिव सेंसर्स एंड एक्टिव सेंसर्स। पैसिव सेंसर्स डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, यूजुअली द सन। मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट सेंसर्स आर पैसिव सेंसर्स। एक्टिव सेंसर्स का मतलब क्या है, एक्टिव सेंसर्स हैव देयर ओन सोर्स ऑफ एनर्जी। एन एग्जाम्पल वुड बी ए रडार गन, दिस सेंसर सेंड आउट ए सिग्नल एंड मेजर द अमाउंट रिफ्लेक्टेड बैक। एक्टिव सेंसर का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हम कैमरा ले लें, तो कैमरा में क्या है, हम फ्लैश वगैरह खींच के भी अच्छा फोटोग्राफ ले सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिन में फ्लैश की जरूरत नहीं है, तो उसका यूज ना करके हम सनलाइट का यूज करें, तो दैट इज कॉल्ड पैसिव सेंसर। और फॉर एग्जाम्पल हम रात को सनलाइट अवेलेबल नहीं है, तो हम उसका फ्लैश का भी यूज कर सकते हैं, तो उसको एक्टिव सेंसर बोल सकते हैं। तो कैमरा कॉम्बिनेशन कैमरा इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पैसिव एंड एक्टिव सेंसर्स। एक्टिव सेंसर्स आर मोर कंट्रोल्ड बिकॉज दे डू नॉट डिपेंड अपॉन वेरिंग इल्यूमिनेशन कंडीशंस। प्लेटफॉर्म्स, इन ऑर्डर फॉर अ सेंसर टू कलेक्ट एंड रिकॉर्ड द एनर्जी रिफ्लेक्टेड एंड एमिटेड फ्रॉम द टारगेट और सरफेस, इट मस्ट रिसाइड ऑन अ स्टेबल प्लेटफॉर्म रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस बीइंग ऑब्जर्व्ड। प्लेटफॉर्म्स फॉर रिमोट सेंसर्स में बी सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड और ऑन ए एयरक्राफ्ट और ए बलून। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसर्स हम कहाँ रखे, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो सेंसर्स को रखने की जगह, दैट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म, कि जहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे रखे, वहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इन ऑर्डर फॉर ए सेंसर टू कलेक्ट एंड रिकॉर्ड द एनर्जी रिफ्लेक्टेड और एमिटेड, जो भी रिफ्लेक्ट हुई है और एमिट हुई है एनर्जी फ्रॉम द टारगेट और सरफेस, इट मस्ट रिसाइड ऑन ए स्टेबल प्लेटफॉर्म रिमूव फ्रॉम द अर्थ सरफेस बीइंग ऑब्जर्व। प्लेटफॉर्म्स फॉर द रिमोट सेंसर्स में बी सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड और ऑन एयरक्राफ्ट और ए बलून और सम अदर प्लेटफॉर्म विद इन द अर्थ एटमोस्फियर और ऑन ए स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट आउटसाइड ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर। एयरबॉर्न रिमोट सेंसिंग, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एयरबॉर्न रिमोट सेंसिंग? द एयरबॉर्न रिमोट सेंसिंग इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज मैथड ऑफ रिमोट सेंसिंग। कैमरास माउंटेड इन ए लाइट एयरक्राफ्ट फ्लाइंग बिटवीन 200 टू 15,000 मीटर कैप्चर ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। एरियल फोटोज प्रोवाइड एन इंस्टेंट विजुअल इन्वेंट्री ऑफ ए पोर्शन ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड कैन बी यूज टू क्रिएट द डिटेल मैप्स। एरियल फोटोग्राफ्स कॉमनली आर टेकन बाय कॉमर्शियल एरियल फोटोग्राफी फार्म्स विच ऑन एंड ऑपरेट स्पेशली मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट इक्विप्ड विद मैपिंग क्वालिटी कैमरास। दैट मीन्स कैमरास में से हम फोटोज खींचते हैं और उससे जो भी अर्थ सरफेस की डिटेल है वो हम लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एयरबॉर्न रिमोट सेंसिंग। कैमराज एंड प्लेटफॉर्म कॉन्फ़िगरेशंस कैन बी ग्रुप्ड इन टर्म्स ऑफ ऑब्लिक और वर्टिकल।
ऑब्लिक एरियल फोटोग्राफी, ये आपका एडवांस सर्वेइंग में चैप्टर था, एरियल फोटोग्रामेट्री। ओके, उसमें एरियल फोटोग्राफी का यूज हुआ, एरियल फोटोग्राफी रिलेटेड सब भी माहिती है कि जो भी एयरक्राफ्ट होता है उसमें कैमरा रख के जो भी फोटोज खींचते हैं वो फोटोज खींच के हम मैप प्रिपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एरियल फोटोग्रामेट्री। कैमराज एंड प्लेटफॉर्म कॉन्फिगरेशन कैन बी ग्रुप्ड इन टर्म्स ऑफ ऑब्लिक एंड वर्टिकल। ऑब्लिक एरियल फोटोग्राफी इज टेकन एट एन एंगल टू द ग्राउंड, दैट मीन्स ऑब्लिक फोटोग्रामेट्री में क्या होता है, कोई एंगल पे हम फोटोग्राफ खींचते हैं, द रिजल्टिंग इमेजेस गिव ए व्यू एज इफ द ऑब्जर्वर इज लुकिंग आउट एन एयरप्लेन विंडो। ओके, दिस इमेजेस आर इजियर टू इंटरप्रेट दैन द वर्टिकल फोटोग्राफ, द रिजल्टिंग इमेजेस गिव ए व्यू एज इफ ऑब्जर्व इज लुकिंग आउट एन एयरप्लेन विंडो, दिस इमेजेस आर इजियर टू इंटरप्रेट दैन द वर्टिकल फोटोग्राफ। दैट मीन्स कोई भी हम ऊपर से चीज देखते हैं और साइड में से चीज देखते हैं, दोनों में फर्क होता है, तो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये फोटोग्राफ हमने ऊपर से खींचा है या ऑब्लिकली कोई एंगल पे खींचा है, बट इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट एंड मेजर द फीचर्स ऑन देम फॉर मैपिंग पर्पजेस। और मैपिंग पर्पजेस में क्या होता है, जो भी हमने ऑब्लिक फोटोग्राफ लिया है उसको उसके फीचर्स कौन से हैं वो सब मेजर करना हो तो ऑब्लिक फोटोग्राफ में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वर्टिकल एरियल फोटोग्राफी इज टेकन विद द कैमरा पॉइंटेड स्ट्रेट डाउन, द रिजल्टिंग इमेजेस डिस्पाइट ग्राउंड फीचर्स इन द प्लान फॉर्म एंड आर इजिली कंपेयर्ड विद द मैप्स। वर्टिकल एरियल फोटोज आर ऑलवेज हायर हाईली डिजायरेबल बट आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द रिसोर्स सर्वेज इन एरियाज वेयर नो मैप्स आर अवेलेबल। ओके, ये कभी यूज होता है जिस एरिया में मैप अवेलेबल नहीं होता है। ओके, बट आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द रिसोर्स सर्वेस इन एरिया, रिसोर्स सर्वे करना हो कोई एरिया का तो, और वहाँ पे मैप अवेलेबल नहीं है तभी ये फोटोग्रामिंग, तो तभी ये डेटा हमारे पास, ये मैप हम यूज कर सकते हैं कि जहाँ पे, और डेटा यूज कर सकते हैं। एरियल फोटोज डिस्पाइट फीचर्स सच एज फील्ड पैटर्न्स वेजिटेशन विच आर ऑफन ओमिटेड ऑन द मैप्स, कंपेरिजन ऑफ द ओल्ड एंड न्यू एरियल फोटोज कैन ऑल्सो कैप्चर चेंजेस विद इन एरिया ओवर टाइम। टाइम के हिसाब से किस एरिया में कौन सा इफेक्ट आया है, क्या इफेक्ट है, ओके, वो भी हम पढ़ सकते हैं। वर्टिकल एरियल फोटो कंटेन्स सबटेल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स वर्टिकल फोटोग्राफ में क्या होता है, सबटेल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रिलीफ, टी फॉर टिल्ट ऑफ द एंड लेंस डिस्टॉर्शन, ये सब हमें वर्टिकल फोटोग्राफ में मिलता है। वर्टिकल इमेजेस में भी टेकन विथ ओवरलैप टिपिकली अबाउट 60% अलोंग द प्लान। क्या है वर्टिकल फोटोग्राफ में क्या होता है कि जो भी आप फोटोग्राफ खींचते हो वो सीधा ही आता है, तो उससे पता नहीं चलता है उसकी हाइट कितनी है क्या है, तो इसमें क्या बोलते हैं उसको, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, टिल्ट ऑफ, टिल्ट कितना है एयरक्राफ्ट का, लेंस डिस्टोर्शन कितना है, वो सब हम नहीं कर सकते। ओके, नहीं फाइंड आउट कर सकते। वर्टिकल इमेजेस में भी टेकन विथ ओवरलैप टिपिकली अबाउट 60% अलोंग द फ्लाइट लाइन एंड एटलीस्ट 20% बिटवीन द लाइन्स। ओके, ओवरलैपिंग इमेजेस कैन बी, अभी ओवरलैपिंग ये क्या है, तो ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि कोई भी एरिया है तो उसमें हम ओवरलैपिंग करके फोटो खींचेंगे तभी हमें क्या होगा, वो एरिया का पूरा मैप मिलेगा। एक पूरा ओवर पूरा एरिया तो कवर नहीं होता है फोटोग्राफ में, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, फ्लाइट से जो भी फोटोग्राफ खींचते हैं वो ओवरलैपिंग करके खींचते हैं, दैट मीन्स वन एरिया जितना बोला है कि भाई इतना परसेंटेज एरिया कवर होना चाहिए फ्लाइट लाइन में, 60% अलोंग द फ्लाइट लाइन एंड 20% बिटवीन द लाइन्स, दैट मीन्स टू लाइन्स के उसके बीच में कितना है, 20%, और 60% फ्लाइट लाइन में ओवरलैपिंग होना चाहिए, दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैपिंग और क्या बोलते हैं उस ट्रावर्स ओवरलैपिंग, टू टाइप्स का ओवरलैपिंग आता है, तो
ओवरलैपिंग करेंगे तो ही क्या होगा, पूरा एरिया कवर होगा। तो ओवरलैपिंग इमेजेस कैन बी यूज्ड विद द स्टीरियोस्कोप टू क्रिएट द थ्री डायमेंशनल व्यू कॉल्ड द स्टीरियो मॉडल। स्पेस बॉर्न रिमोट सेंसिंग। फोटोग्राफी हैज प्रूवन टू बी एन इम्पोर्टेंट इनपुट टू द विजुअल इंटरप्रिटेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ द एनालॉग मैप्स। हाउएवर द डेवलपमेंट ऑफ द सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स द एसोसिएटेड नीड टू टेलीमीटर इमेजनरी इन डिजिटल फॉर्म एंड द डिजायर फॉर हाईली कंसिस्टेंट डिजिटल इमेजनरी हैव गिवन राइज टू द डेवलपमेंट ऑफ द सॉलिड स्टेट स्कैनर्स एज अ मेजर फॉर्मेट फॉर द कैप्चर ऑफ द रिमोटली सेंस्ड डेटा। The basic logic of a scanning sensor is use of the mechanism to sweep a small field of view. Okay, तो space borne center that space borne remote sensing का मतलब क्या है कि जो भी सैटेलाइट में सेंसर्स लगाए हुए हैं उसकी मदद से जो भी फोटो हम खींचते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड स्पेस बॉर्न रिमोट सेंसिंग। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।